अभी जितने भी विश्व में धर्मात्मा है ना, जितने भी धर्मात्मा हैं, यदि उनका पोस्टमार्टम करेंगे तो उनमें से अधिकांश धर्मात्मा इसलिए धर्म पालन करते हैं, किस लिए, कि यदि धर्म पालन नहीं करेंगे तो नरक चले जाएंगे। अभी धर्म नहीं पालेंगे तो क्या होगा, नरक जाएंगे। तो नरक के डर से, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं नरक का डर नहीं है लेकिन स्वर्ग का लोभ है कि यदि हम धर्म पालन नहीं करेंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे, स्वर्ग जाना है तो धर्म का पालन करना चाहिए। तो जब हम उसको तराजू पर रखते हैं धर्म क्यों किया, तो आंसर मिलता है डर के मारे। धर्म क्यों किया तो आंसर मिलता है लोभ की वजह से। डर क्या था, नरक में नहीं चले जाएं। लोभ क्या था, स्वर्ग में जाएं। बोले ये सही धर्मात्मा है, ये पक्के धर्मात्मा है, अरे ये तो डरपोक और लोभी है। ये कहते ना तुमसे लागी लगन, एक भजन है उसकी एक पंक्ति है, पहले भी मैं सुना चुका हूँ, हम तो रोज गाते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या कहा इसका मतलब, कि भाई हम जैन लोग हैं, हमको संसार के दुखों की तो परवाह नहीं है, ये टेंशन नहीं हमारी कि हमारे बच्चा बच्ची नहीं हो रहा है, कि दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कि शरीर में रोग हो गए हैं, कि फलाना है कि ठिकाना, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। समझना कितनी बड़ी बात। और चौराहे पे खड़े होके आपने पूरे गांव को सुनाई, ये वो भजन है जो बैंड बाजे वालों को भी याद है, चिल्ला चिल्ला के बोला ना, क्या बोला, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। अब अपना आत्मावलोकन करना, आपको जगत के दुखों की परवाह है या नहीं है। लिस्ट उठा के देखोगे तो हमारे पास दूसरा धंधा ही नहीं है। हम धर्म भी करते हैं तो जगत के दुखों को दूर करने के लिए, सवेरे 3 बजे उठ के भी माला जपने जाते हैं तो जगत के दुखों को दूर करने के लिए, और भजनों में हमने, हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने गाया है जगत के दुखों की तो हमको परवाह ही नहीं है, हम ही देवी देवताओं के चक्कर लगाते हैं जगत के दुखों को दूर करने के लिए, और आचार्य कहते हैं जगत के दुखों की तो हमको परवाह ही नहीं है। क्यों नहीं है परवाह, क्यों नहीं है परवाह, उसका कारण पता है, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को समझते हैं, हम गौमठ सार के रहस्य को जानते हैं, हम 148 प्रकृतियों के स्वरूप को समझते हैं। जिस जीव ने जैसा कर्म बंधन किया है उस जीव को वैसा उदय आता है, हमारे सोचने और नहीं सोचने, मांगने नहीं मांगने से उदय में परिवर्तन नहीं होता है। अरे भाई साहब, मैं एक लाइन कह के वापस आता हूँ, तुम जिन देवी देवताओं के सहारे अपना भला करना चाहते हो ना, जिन देवी देवताओं के सहारे अपना भला कर उद्धार करना चाहते हो, बड़े बड़े धर्मात्मा भी, धर्मात्माओं का भी भला वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है धरणेन्द्र जी और पद्मावती की कहानी, ये पहली बार और अंतिम बार वर्किंग कंडीशन में तब थे जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग आया, उसके बाद किसी एक जैनी की सहायता इनने की हो तो मुझे बताओ, बड़ा कठिन प्रसंग है ये। चूंकि हम वर्षों से मानते आए हैं इसलिए सही है, ये तो बात हम पहले ही कह चुके हैं, पक्षपातो ना मे वीरे ना द्वेष है कपिलादिशु। अब इसमें मत कहना कि हम तो 50 साल से कर रहे हैं, 50 नहीं, आप 500 साल से भी पाप कर रहे हो तो पाप पुण्य में नहीं बदल जाएगा, पाप पाप ही रहेगा। यदि सच में ये वर्किंग कंडीशन में होते तो मुगलों की ताकत नहीं थी कि प्रतिमाएं तोड़ दें, अरे जाने दो वो तो पुरानी बात होगी, सच में ये वर्किंग कंडीशन में होते तो आज मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग नहीं आते। हम तो सामान्य गृहस्थ हैं, हमारी सहायता करें या ना करें, यदि आप हैं तो पहले मुनिराजों की सहायता करो, पहले उनको निरोगी रखो। आज मुनिराजों को भी तबीयत खराब होती ही है, रोग होते ही हैं। तो इसकी थ्योरी क्या है जैनिज्म की, कि नहीं ये कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इस वजह से नहीं कि मैं मुनिराज बन गया हूँ तो रोग नहीं होंगे। आप मुनिराज बन गए हैं बहुत अच्छी बात है, इससे वितरकता बढ़ेगी, इससे आगामी कर्म बंधन नहीं होगा, लेकिन पुराना जो आपने कर्जा ले रखा है, राज बन गए हैं इसलिए कर्जा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्या कमाल जैन दर्शन का न्याय यदि आप पढ़ोगे ना, जैसे मैं सोचूं सब गांव से कर्जा ले लूं और अपने घर वालों को दे दिवा के दीक्षा ले लूं, अब तो चुकता हो गया ना सबका, नहीं भाई साहब, आप मांगो या ना मांगो आप दवा, लेकिन कर्मों का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहां जो गणित चल रहा है, वो फिर नहीं देखते हैं आप कौन से गुण स्थान में हो। आप ध्यान मस्त हैं, श्रेणी मार रहे हैं,
प्रचुर आत्मा का स्वसंवेदन कर रहे हैं, ऐसे 5 पांडव, अब बोलो उनके ऊपर भी लोहे के आभूषण पहना दिए, कोई देवी देवता हाजिर नहीं आए, डिस्टर्ब मत करो, हमारे भगवान ध्यान कर रहे हैं। जो देवी देवता मुनिराजों की सहायता नहीं करते हैं, वे देवी देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। कोई धोखा दे रहा है आपको और आप धोखे में आ रहे हैं, बात नहीं। आप 1000 प्रश्न पूछोगे, शास्त्र के आधार से मैं जवाब दे सकता हूं। बस ये मत कहना कि ये काम मैं 50 साल से कर रहा हूं। आप 50 साल से कोई गलत औषधि का सेवन कर रहे हैं और आपकी तबीयत खराब है, आप तो भी किए जा रहे हैं क्योंकि हम 50 साल से कर रहे हैं। नहीं, रूढ़िवादिता का नाम धर्म नहीं है, परंपरा का नाम धर्म नहीं है, आपने क्या सीख रखा है इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म स्वपरीक्षित साधना है, धर्म परंपरा नहीं है। सत्य की खोज एक पुस्तक है जिसमें लिखा है ये बात। क्या है, यदि आपका दिमाग जागृत नहीं रहा तो आप पैसे से भी लुटोगे, आप श्रद्धान से भी लुटोगे, आपकी पूरी मनुष्य पर्याय उन चीजों में खर्च हो जाएगी जहां से आपको आउटपुट 0।